मुख्यालय पर अतिक्रमण के नाम पर टूटने के कगार पर है नगर का प्राचीन स्तंभ राजवाड़ा गेट। नगर परिषद के जर्जर भवन की छत गिरने के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। नगर परिषद के पुराने भवन के पास के भवन को तोड़ा, अब टूटेगा नगर परिषद का जर्जर भवन। पहले सीजन की बारिश में पुराने नगर परिषद कार्यालय की छत गिरने के बाद आज प्रशासन सख्त रवैया अपनाते नजर आया। नगर परिषद की टीम के साथ SDM पुलिस टीम को लेकर जर्जर भवनों को तोड़ने निकल पड़े। परिषद के पुराने भवन में संचालित दुकान संचालकों से जहां दुकानें खाली कराई गई, वहीं कुल्फी समाज की धर्मशाला को भी तोड़ दिया गया। धर्मशाला की नगर के अशोक सूर्यवंशी ने पूर्व में कलेक्टर को शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने सरकार के पक्ष में जमीन बताकर न्यायालय की लड़ाई भी लड़ी और उक्त भवन को तोड़ दिया गया। वहीं जब पुराने भवन को खाली किया जा रहा था, उस दौरान पुराने ट्यूबलाइट के भारी मात्रा में बॉक्स मिले, जिन्हें सिर्फ रॉड न होने के कारण फेंक दिया गया। हालांकि वर्तमान परिषद अध्यक्ष इसे उनके कार्यकाल के नहीं मान रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। इसकी शिकायत आपने की थी, क्या था मामला? सन 1964 में बोंदर पिता कालू खड़की निवासी ने नगर पालिका निःशुल्क जमीन ली थी। उसके बाद में 7 लोगों को सार्वजनिक उपयोग के लिए कायम रखने के लिए दी थी। उसके बाद में इसका 5 लोगों ने नामांतरण करवा के मालिकाना हक कर लिया, जिसकी मैंने मतलब 1964 का रिकॉर्ड निकालने के बाद में मालूम पड़ा कि नगर पालिका की जमीन नहीं थी, वो राजस्व थी। तो कलेक्टर को शिकायत में उनने ये बोला कि जैसे नगर पालिका इसको देने वाली कौन होती, तो उसको नामांतरण खारिज करके अब इन्होंने आदेश ले ली। और उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में लगाया था, वहाँ भी वो फैसला यथावत रखा, इसलिए राजस्व में चली गई। 2009 में इन्होंने फर्जी नामांतरण करवा लिया था मालिकाना हक, मतलब दुकानें बनाने के, उसमें यादी से पूरी की दौड़ लग गई थी कि पूरी हथियार लेंगे अपन, तो लाखों कमाने के चक्कर में आज ये हाल हुआ कि उससे भी चली गई। भवन तोड़ना था लेकिन एक धर्मशाला को तोड़ा गया। जर्जर बिल्डिंग जितनी भी हमने पहले भी नोटिस दिया था, कुछ लोगों ने अवैध तरीके से भी बना लिए थे धर्मशाला वगैरह, तो है तो शासकीय है लेकिन वो भी जर्जर थी। कुछ लोग अवैध काम करते थे, दारू पी के बैठे रहते थे, कभी भी गिर सकता था, इसलिए हमने उसको पहले तोड़ा। और ये नगर पालिका भी खाली हो गई, जितने भी दुकानदार थे उन्होंने खाली कर दिया है, अभी उसका भी अभी नंबर लगाने वाले हैं। सर जैसे अभी जो दुकानदार हैं अभी ये कहाँ जाएंगे? दुकानदार सब सक्षम है, और ऐसा कोई होता अगर गरीब टाइम को हम करेंगे व्यवस्था, लेकिन सक्षम उनको नहीं देंगे। सर ये मार्केट के अलावा जैसे बड़वानी रोड की बात की जाए तो वहाँ भी अतिक्रमण बहुत है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बड़वानी रोड पे भी करेंगे, जो अभी जो गेट है उसके भी हम कार्रवाई करें, नोटिस दिया है आज, अगर नहीं हटाते तो स्वयं प्रशासन द्वारा हटा जाएगा, संबंधित व्यय उस संबंधित व्यक्ति से वसूल हो जाएगा। ट्यूबलाइट इस कंडीशन में निकल रही, 3 से 4 ट्राली भराकर ट्यूबलाइट निकली, तो ये जनता का पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा? जा रहा ना, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अगर ये हमें तो जान, ये पुरानी परिषद का है सारा ये, और हमने जब चाहा कि भाई कि इसमें मलकोरी डालेंगे, तो मलकोरी जहाँ लेने गए तो उन्होंने बोले कि ये साइज की मलकोरी आप नहीं मिलती है यहाँ। तो ये हमने पहली बार देखा कितने सारे मलकोरी के खोखे यहाँ हमें मिले, जो आज हमको मालूम पड़ा कितने सारे खोखे यहाँ पे। इसके अलावा और कहीं रखे हैं क्या? और इंदौर स्टेडियम में भी है। स्टेडियम में भी है जी, मतलब लाखों करोड़ खर्च कर दिए, बॉक्स में हो गए।